हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टोटल फाइव कंसेप्ट या फाइव अप्रोच बताऊंगा, जिससे आप डिफरेंशिएशन के टफ से टफ क्वेश्चन को भी बहुत इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले, जब भी कुछ ऐसा गिवन हो और इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए, तो यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट लगाना वो ये है कि जब भी एक से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीज़न में हो या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न दोनों में आए, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना है। क्यों लॉग लेना है, क्योंकि जब हम लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी से आपका वो फंक्शन सब्सट्रैक्शन या एडिशन में आ जाएगा इस टाइप से। इससे फिर हमें डिफरेंशिएट करना इजी होगा, राइट। और एक और ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, राइट, कि लॉग ए बी वाई होता है तो वाई बाहर जाता है, राइट। तो ये करने के लिए मैं आपको ये अप्रोच बता रहा हूँ, और उसके बाद आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यू नो डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चूँकि यहाँ पे वाई है यहाँ पे एक्स है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा नहीं, चैन रूल लगाएंगे तो फिर ये आ जाएगा। ये सब बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए चैन रूल तो आपको अप्लाई करना ही है। और ये कंसेप्ट और कहाँ पर लगाएंगे आप, जहाँ पर फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो, तो वहाँ पर भी लॉग जब दोनों साइड लेंगे तो ये फंक्शन जो ऊपर वाला होगा पावर वाला वो बाहर आ जाएगा और इस टाइप में आ जाएगा, फिर यू इंटू वी रूल लगा करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है। अब मैं इस पे बेस इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ। यहाँ पे भी वैसा ही हो गया, मल्टीप्लिकेशन में भी है डिवीजन में भी है, तो दोनों साइड मैं लॉग लूँगा तो क्या हो जाएगा बोलो, लॉग वाई इज इक्वल टू, अब ये लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। तो एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर, राइट, प्लस लॉग ऑफ रूट अंडर ऑफ थ्री एक्स क्यू प्लस 5 का होल स्क्वायर, राइट। और ये नीचे डिवाइड में है तो माइनस लॉग ऑफ या राइट ये रूट ओवर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगा। अब यू नो ये पावर बाहर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 प्लस ये 3 जो है वो नीचे डिवाइड में चला जाता है तो हो जाएगा 2/3 log of x cube प्लस 5 माइनस, फिर से ये कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ log of 2x स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, तो log y का डिफरेंशिएशन अभी बताया आपको क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y इंटू वाई डैश, तो 2 बाय log x का 1 अपॉन x, तो x स्क्वायर प्लस 3, फिर अंदर में जाएंगे चैन रूल तो x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x और प्लस 3 का तो 0 हो जाएगा। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो 2x प्लस 0, फिर प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन x क्यू प्लस 5, फिर x क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और 5 का 0, राइट, फिर माइनस में 3/2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 और 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा ध्यान से देखो 4x प्लस 0। तो यहाँ से y डैश डैट इज dy बाई dx क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, y आपका क्या है ये पूरा, राइट, तो y इंटू में अब ध्यान से देखो तो 2 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस ध्यान से देखो तो यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू प्लस 5 और माइनस ये 2 से 2 टू द तो ये माइनस 6x बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और इसको ये और ये y मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो ये आके आपका dy बाई dx, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कंसेप्ट नंबर 2 कि जब भी आपको फंक्शन इस टाइप से गिवन हो और डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जब हम y को एक साइड में रखें और x पूरा एक साइड में हो तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट, बट यहाँ पे हम वैसा नहीं कर पाएंगे, राइट। तो फिर जब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट। जब आप y एज ए फंक्शन ऑफ x सेपरेटली नहीं लिख पाएंगे तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट। और ऐसे केस में नॉर्मल जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे y स्क्वायर आता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y y डैश आ जाएगा, राइट, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो चैन रूल अपने को लगाना है। जैसे यहाँ पे भी देखो मैं करके बताता हूँ, तो x की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, राइट, यहाँ पे u इंटू v रूल लगाना पड़ेगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 तो इंटू में y क्यू, फिर y का जब करेंगे तो ये x y क्यू का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू y डैश, फिर यहाँ पे u v रूल तो x स्क्वायर का 2xy, फिर प्लस
y का जब करेंगे तो y डैश एक्स स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे तो 4yq इंटू y डैश, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमें dy by dx मतलब y डैश निकालना है, तो y डैश वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे राइट, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान से देखो, तो y डैश को कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर x, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिर्फ x स्क्वायर, और यहाँ पे 4yq, और ये सब टर्म को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5x की पावर 4 माइनस में y क्यूब राइट, और माइनस में 2xy, ये हो जाएगा। तो यहाँ से y डैश क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस ऑफ ये आप लिख लेंगे 5x की पावर 4 प्लस y क्यूब प्लस में 2xy डिवाइडेड बाय, ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी, 3y स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर सपोज करो कि इसमें हमसे पूछता कि dy by dx एट x इक्वल टू समथिंग बताओ, तो जो भी वैल्यू देता x की जगह पुट कर देते हैं, और x यहाँ पे पुट करके y हम निकाल सकते हैं, तो ये एक कंसेप्ट है, ऐसे आपको करना है। कंसेप्ट नंबर 3, जब x फंक्शन ऑफ t हो और y भी फंक्शन ऑफ t हो इस टाइप से, या फिर फंक्शन ऑफ थीटा होता है तो ये भी फंक्शन ऑफ थीटा हो, दोनों सेम का फंक्शन होना चाहिए, अलग अलग गिवेन हो, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। और जब dy by dx निकालना हो तो फिर कैसे करना, वेरी सिंपल, x जिसका फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, वैसे ही y जिसका फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, और देन वी कैन राइट dy by dx इज इक्वल टू dy by dt by dx by dt राइट, क्यों, क्योंकि dt कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा, और जो आपने निकाल रखा है उसको पुट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो पहले मैं क्या निकाल लूँगा, चूँकि x फंक्शन ऑफ t है तो dx by dt, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में साइन, और ये पूरा थीटा जूम करेंगे तो माइनस साइन थीटा, फिर अंदर जाएंगे चेयर रूल से तो लॉग एक्स का 1/x, वैसे ही वाई फंक्शन ऑफ टी है तो हम निकाल लेंगे डी वाई बाई डी टी, तो लॉग एक्स का 1/x, तो 1/cos t, और कॉस टी का माइनस में साइन टी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में टेन टी। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी डेट इज माइनस में टेन टी, और डी एक्स बाई डी टी डेट इज माइनस ऑफ साइन लॉग टी इंटू 1/t, तो 1 और t ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये t tan t by sin of log t, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से अप्रोच करना है। कंसेप्ट नंबर 4, जब डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन हो, तो ऐसे केस में आपको क्या कर लेना है, ऊपर वाले फंक्शन को कुछ अनदर फंक्शन एज्यूम कर लेना है, और वो जिसका फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेना है, वैसे ही नीचे वाले फंक्शन को कुछ अदर एज्यूम कर लेना है, और वो जिसका फंक्शन होगा उसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेना है। हमें निकालना है du by dv, तो du by dv को हम कैसे लिख सकते हैं, du by dx डिवाइडेड by dv by dx, dx dx कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन की तरह ही है, बट इसमें एक कंसेप्ट और क्या है कि कभी कभी हमें फंक्शन को कुछ पुट करके सॉल्व करना पड़ जाएगा, सो डेट वो ईजिली डिफ्रेंशिएट हो सके। तो जैसे उस पर बेस मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू दिस राइट, तो आप ये डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले फंक्शन को समथिंग एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर वाले फंक्शन को मानता हूँ कि वो मेरा u है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 1+x²-1/x राइट, और वैसे ही हम नीचे वाले फंक्शन को मान लेंगे भी, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x/1+x²। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ये वाला फंडा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चूँकि अगेन अभी भी ये कम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे। टेन थीटा ही क्यों सर, क्योंकि 1+tan²θ क्या होता है, sec²θ, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपको थिंक करना है, तो x tan थीटा पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, tan इनवर्स ऑफ ये 1+tan²θ, sec²θ, रूट कैंसिल, तो क्या हो गया, sec(θ-1)/tan(θ राइट। चूँकि वी नो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स एक्स होता है, तो हमें इसको टेन के फंक्शन में लेके आना पड़ेगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, टेन इनवर्स ऑफ sec(θ) को 1+cos(θ-1)/ये sin(θ)/cos(θ राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एलसीएम लेंगे तो ये 1-cos(θ, cos(θ, cos(θ कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली आपका आएगा टेन इनवर्स ऑफ
वन माइनस कॉस थीटा बाई नीचे में साइन थीटा, राइट। चूंकि अभी भी ये टेन का फंक्शन नहीं बना है तो हमें टेन का फंक्शन बनाना है, तो वन माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, कहाँ से, कॉस ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले से, राइट। और नीचे में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ऐसा करने से क्या हो गया, साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू एक कैंसिल हो जाएगा, टू टू कैंसिल, तो ये बचेगा साइन थीटा बाई टू बाई कॉस थीटा बाई टू, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई टू। तो ये tan लाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan x क्या हो जाता है, x, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा बाई टू। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अभी हमारा u क्या आ गया है, ध्यान से देखो, तो सिर्फ थीटा बाई टू। वैसे ही इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा, यहाँ पुट करो तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टू tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब यू नो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैंसल, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जानते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 थीटा, तो v क्या हो गया आपका 2 थीटा। यहाँ से वैसे आप थीटा पुट भी कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा, राइट, टेन इनवर्स x बाई टू, और ये हो जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स x। वैसे ये पुट करने की जरूरत नहीं, हमें निकालना है अभी du बाई dv, तो हम इसको लिख सकते हैं du बाई d थीटा बाई dv बाई d थीटा, राइट। तो यू नो कि ये 1 बाई टू इंटू टू, तो कितना हो जाएगा, 1 बाई फोर हो जाएगा, तो बहुत ईजी है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कंसेप्ट नंबर 5 आपको तब लगाना जब आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालना, तो आपको इनवर्स फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि y एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स गिवन होगा, और इनवर्स का मतलब है कि x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना हमें। तो जब x एज ए फंक्शन ऑफ y हो जाएगा तो डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि x को हमें विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमें डी एक्स बाई डी वाई निकालना है। तो डी एक्स बाई डी वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब 1 अपॉन y डैश। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे, तो पहले हम निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6, राइट। तो अब हमें एक्चुअली में इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना, मतलब डी एक्स बाई डी वाई निकालना है, तो दिस इज रिटन एज 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, डैट इज 1 अपॉन 6 कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, दैट्स वेरी सिंपल, इसमें आपको इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल ले और 1 अपॉन में कर दे उसको, तो डी एक्स बाई डी वाई, डैट इज आपको इनवर्स का डेरिवेटिव आ चुका है। फिर इसमें अगर कुछ वैल्यू निकालना होगा तो वो पुट कर देंगे, वैल्यू भी आ जाएगा। तो आई होप मेरा ये 5 कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो कोई भी जो टफ वाले डिफ्रेंशिएशन है वो भी आपको ईजी लगेगा। थैंक यू।